आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी एक एक करके अब भगवान राम के दिव्य गुणों का वर्णन करेंगे। पहले वे कह चुके हैं कि इतने अनंत गुण हैं भगवान राम में कि जिनको मैं गा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं उनको गाना, क्योंकि कैसे गाया जाएगा। बुद्धि तो छोटी सी है, और वह छोटी सी बुद्धि यदि उस परम सत्ता को नापने चलेगी तो कहाँ नाप पाएगी। अब यहां पर वे इस बात को भी बता रहे हैं कि वे रामचरितमानस की रचना क्यों कर रहे हैं और किस किस से वे इसके लिए और आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। गई बहोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो, बुध बरनई हरि जस अस जानी, कर ही पुनीत सुफल निज बानी। कहते हैं भगवान राम कैसे हैं, गरीब निवास है, गरीबों पर कृपा करने वाले हैं, दीन दुखियों पर, दीन बंधु भगवान राम को कहा गया है, जो दीनों के सखा हैं, बंधु हैं, उनकी सहायता करते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे ना, सूरा तार ही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। तो ये लड़े दीन के हित, ये वो शूरवीर थे जो दीन के हित लड़े, दीन बंधु। और क्या है, गई बहोर, खोई हुई वस्तु भी, जो चीज छिन गई है वह भी भगवान राम की कृपा से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे गरीब निवास हैं, कृपा करने वाले हैं। अहिल्या का सब कुछ खो गया था, लेकिन इनकी कृपा से पुनः उनको सब कुछ मिल गया जो भी इनका खोया था। सुग्रीव का भी सब कुछ खो गया था और राम की कृपा से सब कुछ उसे मिल गया। विभीषण भी सब कुछ खो चुके थे और राम की कृपा से उन्हें सब कुछ मिल गया। और कैसे हैं राम, सरल सबल साहिब रघुराजो, और मेरा साहिब कैसा है, सरल है और सबल है। अब ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम सहज रूप से रामचरित मानस को पढ़ने वाले इस पंक्ति को पढ़कर आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे स्थान ऐसे जहां पर हमें ठहरना होता है। सबल के साथ ये कह रहे हैं सरल भी है मेरे साहिब, जो दुर्लभ होता है गुण होना। सबल माने शक्तिशाली। आप देखिए, जो जितना भी शक्तिशाली है वो सरल नहीं है, अहंकार उसके ऊपर छा जाता है, सरलता खो जाती है और जटिलता छा जाती है, अहंकार छा जाता है। जरा सब जो सबल है, अब सबल में आप छोटे से लेकर चलिए, एक छोटे से छोटा भी अधिकारी, कोई भी ऑफिसर, देखिए कितने अहंकार से भरा है। राम तो राजाओं के भी राजा थे, और एक छोटा सा पार्षद, निगम पार्षद, जो शुरुआत होती है राजनीति की। आप कभी चाल देखे निगम पार्षद की, मैं भी ऊपर नहीं जा रहा, विधायक, एमएलए या मिनिस्टर, इन सब तक नहीं जा रहा, कैबिनेट मिनिस्टर और फलाने और बहुत सारी लंबी श्रृंखला है। सिर्फ राजनीति की जो शुरुआत होती है निगम पार्षद, और उससे भी छोटा निगम पार्षद के तो चेले चपाटे होते हैं। जरा उनकी चाल देखो, उनके बात करने का ढंग देखो, जरा सा बल होता है लेकिन सरलता नहीं होती, अहंकार कितना बड़ा, महान अहंकार उनके हर व्यक्तित्व में, उनके रोए रोए से वो अहंकार टपकता है। लेकिन भगवान राम कैसे हैं, सबल हैं लेकिन उसके बाद भी सरल है। ये दोनों गुणों का एक साथ होना बड़ा गहरा गुण है। अब देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं, उससे आप सारी बात समझ जाएंगे सरलता रहा भगवान राम की। आप कभी एक अपने मोहल्ले के निगम पार्षद के पास चले जाइए और उससे कहिए कि मुझे कुछ दुष्ट लोग सता रहे हैं, मेरी सहायता करो। अमूमन आपकी सहायता नहीं होगी। या उसके कहो कि आप आइए हमारी सहायता के लिए,
वो कहेगा मैं क्यों आऊं, आप पुलिस के पास जाओ, मेरे पास क्यों, क्या करने आए हो, मैं इस काम के लिए थोड़ी ना बैठा हूं यहां पर कि कोई बदमाश आए और मैं तुम्हारे साथ चल के आपकी रक्षा करूं। लेकिन विश्वामित्र गए दशरथ के पास कि जो राक्षस है मेरे यज्ञ में विध्वंस करते हैं आके, तो मुझे राम को दे दीजिए उसकी रक्षा के लिए। अब दशरथ भी सबल थे और सरल थे। दशरथ ने यह नहीं कहा कि मैं क्यों दे दूं भाई, राम क्या करेंगे वहां जाके। हाँ, दशरथ ने यह प्रस्ताव रखा था कि मैं अपनी सेना भेज देता हूं, लेकिन मना सीधे रूप में नहीं किया। और जब राम से कहा गया तो राम ने भी एक बार ये नहीं कहा कि राजकुमार थे राम, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं आपके लिए, मेरे पिता सेना भेज तो रहे हैं, सैनिक भेज रहे, सैनिक जाएंगे आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, मुझे क्या लेना देना, मैं राजकुमार हूं, मैं इस काम के लिए थोड़ी ना बैठा हूं यहां पर। लेकिन नहीं, कुछ नहीं बोले राम, राम ने स्वीकार किया और विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए चले गए। तो ये मैं शुरुआत बता रहा हूं राम के देवत्व की, कि कितनी सरलता उसमें थी, और उससे पहले की भी सरलताएं बहुत हैं, पर यहां से मैं सरलता की शुरुआत कर रहा हूं कि जब वे सबल हो गए थे, राजकुमार थे, युवराज थे, और उसके बाद भी कैसी महान सरलता। तो सरल सबल साहिब रघुराजो, बुद्ध बरनई हरि जस अस जाने। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान राम के इस इन दिव्य गुणों को जानकर उनके यश का वर्णन करते हैं, यश का वर्णन करते हुए थकते ही नहीं। कर ही पुनीत सुफल निज बानी, और वो क्या करते हैं, भगवान राम की इस पुनीत गाथा का वर्णन करके अपनी वाणी को सार्थक करते हैं, सुफल बनाते हैं, सफल बनाते हैं, पावन करते हैं, पवित्रता की ओर ले जाते हैं अपनी वाणी को। भगवान राम के यश का गुणगान करके, उनके गुणों का वर्णन करके बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं। तेही बल में रघुपति गुण गाथा। आप कहते हैं मैं जो रघुपति के गुण गा रहा हूं, ये रामचरित मानस की रचना कर रहा हूं, क्यों कर, किस लिए, क्या उद्देश्य है? तो कहते तेही बल में, उसी के बल पर मैं कर रहा हूं। किसके बल पर? कोई यश प्राप्ति का बल नहीं, कोई धन प्राप्ति का बल नहीं, किस चीज का बल? कि इसके रघुनाथ जी के यश का वर्णन करने से मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, मेरा तन मन निर्मल हो जाएगा। सिर्फ इसी भाव से, इसी बल का आश्रय लेकर मैं भगवान राम के इस चरित्र का वर्णन कर रहा हूं कि कम से कम मेरा भला तो होगा ना, मेरी वाणी तो शुद्ध होगी। जब हर समय राम राम की ही रचना मैं करूंगा तो उस राम नाम से मैं तो पावन हो जाऊंगा, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा बल अपने मन में धारण करके मैं इसकी रचना कर रहा हूं। कहीं हूं नाई राम पद माथा, और मैं भगवान राम के चरणों में अपना माथा टिका कर उनसे भी ये प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे इस कार्य में सफल करें। मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाए, तेही मग चलत सुगम मोहि भाई। कहते हैं मैं इस रास्ते पर कैसे चल रहा हूं कि मुझसे पहले जो दो महान मुनि हुए हैं उन्होंने श्री हरि की कथा गाई है। यहां संकेत कर रहे हैं भगवान वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, और भगवान वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। तो कहते हैं इन दो मुनियों ने जो श्री हरि के यश की गाथा गाई है वही मेरे लिए मार्ग बन गया है। तेही मग चलत सुगम मोहि भाई, वही रास्ता मेरे लिए सुगम लग रहा है। क्योंकि यदि भगवान वाल्मीकि रामायण की रचना नहीं करते तो मैं कैसे रामचरितमानस की रचना कर पाता, राम का चरित्र ही मेरे पास नहीं होता। तो उनका एक बहुत बड़ा आधार था, जिस आधार के कारण मैंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, और यही मार्ग मुझे सुगम दिखाई दे रहा है, और कोई मार्ग सुगम नहीं है। और कैसे सुगम है ये, कितना सुंदर उदाहरण वो इस सुगमता के लिए दे रहे हैं। अति अपार जे सरित बर जो निरप सेतु कराही, चढ़ी पिपली कहूं परम लघु बिनु शरम पार ही जाए। ये जो भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, कहते रामायण की रचना नहीं की, उन्होंने मेरे लिए एक पुल बना दिया। कैसे? जैसे बहुत
विशाल नदी होती है भयंकर, लेकिन कोई समर्थ राजा उसके ऊपर पुल बांध देता है। कह रहे ना, अति अपार जे सरित बर जो निरप सेतु करा ही, कोई राजा वहां पर पुल बना देता है उस उफनती नदी के ऊपर। तो पुल बनने के बाद क्या होता है कि चढ़ी पिपली का परम लघु, छोटी से छोटी चींटी भी उस महान नदी को यूं ही पार कर जाती है बिना किसी श्रम के, कोई मेहनत नहीं लगती उसे। कितना बड़ा उदाहरण दिया है कि पुल बांध दिया एक राजा ने और वो उफनती हुई नदी को एक साधारण सी चींटी भी पार कर जाती है। इसी प्रकार से ये जो रामायण पुस्तक थी भगवान वाल्मीकि ने जो रचना की, या भगवान वेद व्यास ने जो महाभारत की रचना की, वो मेरे लिए पुल के समान कार्य कर रही है। अब देखिए, अपने को बिल्कुल भी श्रेय नहीं दे रहे तुलसीदास जी, कहते मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो श्रम कुछ हो ही नहीं रहा, सारा कुछ प्लेटफॉर्म पहले से बना हुआ है, सब कुछ तैयार है, मैं तो बड़ी सुगमता से उसे चल के पार कर रहा हूं, श्री राम का चरित्र मेरे पास पहले से ही विद्यमान है, सब कुछ है, मैं तो बस पुनः उसे अपनी तोतली भाषा में गा रहा हूं, ऐसा विनम्र भाव लेकर ये चल रहे हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूं रघुपति कथा सुनाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। कहते हैं इस प्रकार मन को मैं अपने यह बल दिखा रहा हूं, बार बार अपने मन को बलवान कर रहे हैं कि देखो इतने महान लोगों ने इस रचना को गाया, तो तुम्हारे लिए तो कुछ कठिनता रह ही नहीं गई, कोई कठिनाई नहीं, बड़ी सरलता से तुम सारी सारी चीजों की, जिही सादर हरि सुजस बखाना, और इतने जो कवि हुए उन्होंने बड़े आदर सहित हरि के यश को उसका बखान किया है, तो तुम्हारे लिए भी कोई ये दुसाध्य कार्य नहीं होगा, ऐसा मैं अपने मन को बल देता हूं बार बार समझाकर। सबका वर्णन कर दिया इन्होंने उनके बारे में बताते हुए, महान कवियों के चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्व हूं सकल मनोरथ मेरे। कहते मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों को भी नमस्कार करता हूं, मुझसे पहले जितने भी अभी कवि हुए हैं, जो भी रचनाकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन सबको भी नमस्कार करता हूं कि वो पूर्व हूं सकल मनोरथ मेरे, मेरे से सारे मनोरथ को पूरा करें। क्या मनोरथ है? कि जो मैं राम की जो यश गाथा गाने जा रहा हूं उसे मैं ठीक से गा पाऊं, मेरे बस इस मनोरथ को वो पूरा करें। कलि के कभी करहूं प्रणामा, जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्रामा। अब कहते हैं कलयुग के भी उन महान कवियों को मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। ये शुरू में पहले कह चुके हैं कि जो रामचरितमानस की मैं रचना कर रहा हूं, जिसने जो भी कुछ कहा है, लोक कथाएं हैं, कलयुग के कवियों ने कहा, महान कवियों ने कहा, अन्य जितनी भी भाषाओं में रामचरित लिखा गया, ये नहीं कि रामचरितमानस से पहले कोई राम के विषय में पुस्तक नहीं लिखी गई, बहुत कुछ लिखा गया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं उन सभी कवियों को भी प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने भगवान राम के गुणों का वर्णन किया, उनको भी आदर सहित प्रणाम करता हूं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, और ऐसे कवि जिनकी भाषा बहुत अच्छी है, सयाने कवि हैं, सिद्ध कवि हैं, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने, जिन्होंने अपनी बहुत सुंदर भाषा में श्री हरि के चरित्र का बखान किया है, वर्णन किया है। कितने कवि हुए, कालिदास, बाण भट्ट, दंडी, माग, भगवान वेद व्यास, वाल्मीकि, एक लंबी श्रृंखला है संस्कृत साहित्य की। तो कह रहे हैं उन सभी जिनकी भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित थी, सुसंस्कृत थी, मैं उन सभी सयाने कवियों को भी प्रणाम करता हूं। भई जे अही जे होई हैं आगे, प्रणो सब ही कपट सब त्यागे। और क्या कहते हैं कि जितने कवि हुए हैं और जितने आगे होने वाले हैं उन सब को मैं प्रणाम करता हूं, कैसे अपना सारा कपट त्याग कर। प्रणाम भी बहुत तरह से होता है, बड़े छल कपट के साथ भी लोग नमस्कार करते हैं। आप देखिए जब धूर्त लोग एक दूसरे से मिलते हैं, किसी से मिलता कोई धूर्त आदमी तो कैसे प्रणाम करता है, लेकिन वो बाहरी प्रणाम होता है,
कपट उसके भीतर छाया होता है। आपको नमस्कार जरूर कर रहा है लेकिन भीतर ही भीतर आपके लिए बहुत सारी बद्दुआएं दे रहा है। उसके मन में आपके प्रति दुष्ट भाव। तो कहते हैं मैं ऐसा प्रणाम नहीं कर रहा, ईमानदारी से बोल रहे हैं कि मैं अपने भीतर के सभी कपट को त्याग कर, कपट हैं वो खुद कह रहे हैं, लेकिन उन सबको त्याग करके मैं निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से इन सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि एक बात जानते हैं कि यदि वास्तव में आशीर्वाद लेना है, आशीर्वाद ग्रहण करना है, तो छल कपट छोड़कर ही प्रणाम करना पड़ेगा। आप यदि भगवान के आगे भी नमस्कार करते हैं, झुकते हैं किसी के भी आगे, और झुकते समय आपके मन में छल कपट का भाव है, तो वो निष्फल जाता है प्रणाम। वही प्रणाम सफल होता है, उसी प्रणाम की सार्थकता होती है कि जिसमें आपका कोई छल कपट नहीं, श्रद्धा भाव से किया गया प्रणाम। अगर आपने छल कपट से किसी को प्रणाम किया तो उससे मिलने वाला आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता, क्योंकि वन वे ट्रैफिक हो जाता है, टू वे तो रहता ही नहीं। आपकी तरफ से रिसेप्टिविटी तो खत्म हो जाती है ना, तो फिर कैसे, क्या सार्थकता। तो वो रिसेप्टिविटी बनी रहे, वो ग्राहकता बनी रहे, इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सारे छल कपट को छोड़कर हृदय पूर्वक प्रणाम। तो हमें भी यही चाहिए कि जब भी कहीं प्रणाम करें तो प्रयास करें उस समय अपने मन से छल कपट को निकाल दें या ना आने दें। बाद में तो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि तो इतना आसान नहीं है कि छल कपट भीतर से चला जाए। तो प्रयास करें कि उतने समय में हम निष्कपट रह सके। तो अगर ये बूंद बूंद भी निष्कपट होने का प्रयास किया जाएगा तो वो संग्रहित होकर कभी एक हमारे जीवन के बड़े हिस्से को भी निष्कपट होने का वरदान दे सकता है या उसमें सहायक हो सकता है। पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बर पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय गतिक संताप। सति हृदय अनुमान किए सब जाने उ सर्वज्ञ, कीन कपट मय शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। जल पय सरिस बिकाई देखऊं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। सती बस ही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तो सब दर्शी सुनई प्रभु करऊं सो बेगी उपाई, होई मरण जेहि बिन ही श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बर जाग, नेव ते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। पिता भवन उत्सव परम ज्यो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हटी हट की तब बोली वचन सक्रोध।
सती मरण सुनि शंभुगण लगे करण मख खीस, जग्ञ विदंस विलोक भृगु रक्षा कीनि मुनीष। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। जोगी जटिल सक अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही परिहस्त असिरेख। कह मुनीस हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। जो अस इसिसा कर ही नर जर विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। अस कई नारद सुमिर हरि गिर जय दीन आशीष, होई ये कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। फिरे सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार बितई निर मय जेही सोई करई कल्याण। सुनई मात मैं दीख अस सपन सुनावऊ तो ही, सुंदर गोर सुब्रिप बर अस उपदेसौ मोही। वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहरु दूसे कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरई मई धरी हृदय हरी सकल लोक अभिराम। अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने, जाय विबाहु सैल जही ये मोहि मांगे दे। पार्वती पै जाय तुम प्रेम परीक्षा लेउ, गिर ही पेड़ी पठ एहु भवन दूर करउ संदेहु। सुनत वचन भी से ऋषे गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहो बसेउ किस गे। अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव खाई, सहज एका किन के भवन कबहु की नारी खटाई। महादेव अवगुण भवन
विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाई सन, तेहि सन काम। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिरु मुनि चले, पुनि पुनि हर सत घात। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निदन तब होई, शंभु शुक्र सन भूत सुत, एही जीतई रण सोई। सुरन कीन निज विपत्ति सब, सुनि मम कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कयउ असमार। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सकल कला करि कोटि विधि, हारउ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोपउ हृदय निकेत। जोगी अटंकट भयपति, गति सुनत रति मुरक्षित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखि बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर, ओ इहि नाम अनंग, बिनु वपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम गुछाओ, निज नै नै देखा चहई, नाथ तुमार विबाहु। कहा हमार न सुनहु तब, नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुमार पन, जा रे उकाम महेश, जा रे उकाम महेश। मंगल करण कलि मल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी, भाव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, ज्यों सरित पावन पाथ की।